मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम, पितामह भीष्म की तरफ से आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां। आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित एक नाट्य कथा। इस नाट्य कथा के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री योगेश अग्रवाल रायपुर वाले, संगीत पंडित राजधर शुक्ला ने दिया है, पार्श्व गायन दिया है श्री सुरेश वाडकर और सुरभि गुप्ता ने, कथा का नाट्य रूपांतर परिकल्पना एवं निर्देशन किया है प्रदीप गुप्ता ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाट्य कथा महाराजा अग्रसेन। भगवान श्री राम के वंशज, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन, भगवान शिव के भक्त और देवी मां लक्ष्मी के उपासक अग्रवंश के जन्मदाता महाराजा अग्रसेन। सब मिलकर जिनकी महिमा का गुणगान, कहते हैं हम सब उनको श्री अग्रसेन भगवान, कहते हैं हम सब उनको श्री अग्रसेन भगवान। सभी को है प्रणाम, जो कुछ हमको ज्ञान हुआ प्रस्तुत है श्रीमान, प्रस्तुत है श्रीमान। ज्ञान हमारा अल्प है, हम तो है अनजान, भूल चूक यदि हो जाए तो दीजिए क्षमा दान, दीजिए क्षमा दान। बोलिए श्री अग्रसेन महाराज की जय। द्वापर युग की बात है, सूर्य कुल में जन्मे महाराज श्री वल्लभ सेन अपनी महारानी भगवती देवी के साथ प्रतापपुर के प्रजापालक थे। प्रजापालन में लीन श्री वल्लभ सेन जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि महारानी गर्भ से है। देवी भगवती, ये शुभ समाचार सुनाकर आपने जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमें उत्तराधिकारी मिलने वाला है। हर हर महादेव। मंत्री जी, खुशियां मनाइए। और फिर एक दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को रविवार के दिन श्रेष्ठ काल में महल में एक किलकारी पहुंची। महारानी भगवती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। क्या समाचार रही हो? महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। अच्छा, लीजिए थाली बजाइए। बधाई हो महाराज।
नए उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। सब भगवान शिव की कृपा है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। सूर्य वंश को अंश मिला, छाई खुशी अपार, और घड़ी वो आ गई, होवे नाम करण संस्कार, होवे नाम करण संस्कार। धन्य हो प्रभु। महाराज, बड़े ही विलक्षण नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ है। सदियों में कोई एक बालक ऐसे नक्षत्र में जन्म लेता है। महाराज, मैं अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि भविष्य में यह बालक महाज्ञानी, महादानी, महाबलशाली, धर्मज्ञ एवं समस्त कलाओं का ज्ञाता होगा, और इस बालक के नाम से संपूर्ण जगत में आपका वंश सम्मानित होगा। महाराज, मानव जाति के उत्थान हेतु सभी मानवों में ये सदैव अग्रणी रहेगा। इस कारण नरों में उत्तम, सदैव अग्रणी रहने वाले बालक का नामकरण मैं करता हूं अग्रसेन। अग्रसेन। संपन्न हुआ, खुश हो गए वल्लभ से, सूर्य वंश को मिल गए अग्रसेन, अग्रसेन, अग्रसेन। वल्लभ सिंह जी ने उन्मुक्त हृदय से प्रजा में, ऋषियों में एवं ब्राह्मणों में गोधन, रत्न धन एवं उपहारों का वितरण किया। ऋतुएं बदली और समय गया, वक्त किए सौगात, अग्रसेन की शिक्षा के लिए माता ने की फिर बात। स्वामी, समय कैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। स्पष्ट कहो प्रिय, आपके मन में क्या है। स्वामी, अग्रसेन अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु की शरण में जाना चाहिए। देवी तुम धन्य हो, मेरे मन की बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मैं तो अपने बच्चे के भविष्य हेतु सोचना हमारा दायित्व है। सत्य वचन, अग्रसेन की गुरु दीक्षा का समय आ गया है। अग्रसेन से बंध गई वल्लभ सेन को आस, सर्वांगीण विकास हेतु भेजा तांड्य ऋषि के पास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पतझड़ गया बचपन ने यौवन में प्रवेश किया, अब उम्र है।
गुरु के प्रति समर्पण, आस्था, विश्वास और लगन ने अग्रसेन को अल्प समय में ही विद्या, शास्त्र, शस्त्र आदि सभी कलाओं में पारंगत कर दिया। ज्ञान विज्ञान हो या शास्त्रों का अध्ययन, तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, सभी में वे अपने सहपाठियों से बहुत आगे निकल गए और गुरु के साथ साथ अपने साथियों के भी प्रिय हो गए। और फिर एक दिन एक ऋषि कन्या वन में विचरण कर रही थी, तभी राजा रतींद्र ने वहां प्रवेश किया और उस कन्या को देखा। सुंदर, अति सुंदर ऋषि कन्या हो जी। आपको तो किसी की रानी होना चाहिए, मेरे साथ चलो, रानी बनाकर रखूंगा। राजन, इस तरह के लज्जाजनक बातें आपको शोभा नहीं देते, कृपया आप मर्यादा में रहें। मर्यादा का उल्लंघन करो तो क्या कर लोगी? खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की तो क्या चिल्लाओगी? ऋषि पुत्रों को बुलाओगी? बुलाओ, देखे तो आज मेरे शिकार को मुझसे कौन छीनता है। अब देखो, मैं दिखाता हूं तुम्हें पाप क्या होता है। छोड़ो मेरा सावधान। राजा होकर स्त्री का अपमान करना आपको शोभा नहीं देगा। स्त्री का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। रक्षक यदि भक्षक हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरा शिकार है। स्त्री की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है और मेरे धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने की गलती मत कीजिएगा। अन्यथा क्या कर लोगे? युद्ध, 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 तबर संभालो। जीवन और मृत्यु का अधिकार मात्र उस परम पिता परमात्मा को है। मनुष्य होकर मनुष्य की जान लेना मनुष्यता के विरुद्ध है। इसे बंदी बनाकर गुरुजी के पास ले चलते हैं, वे जो उचित समझेंगे करेंगे। चलो। कुछ जिया बता इतना नीच क्या धिक्कार है तुम्हें? जाओ जाओ, तुम्हें क्षमादान देता हूं, परंतु ये सौगंध लो कि जीवन में ऐसा नीच कर्म दोबारा नहीं करोगे। आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया गुरुजी? दंड तो अग्रसेन ने उसे दे ही दिया है युद्ध में परास्त करके, मैंने तो उसे सिर्फ दिशा दी है। ऐसे पापी को तो मार देना चाहिए गुरुजी। पापी को मार देने से पाप का अंत नहीं होता। मारना है तो पाप को मारो जो मनुष्य के मन में होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ व्यवहार में झलकता है। वत्स अग्रसेन, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है। जी गुरुजी। गुरु की सेवा का कार्यकाल पूर्ण हुआ अग्रसेन, मुझे गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। अब तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है। आपकी आज्ञा शिरोधारी। प्रणाम। गुरु से आशीर्वाद लिया, विधिवत किया प्रणाम। माता पिता की सेवा को मन में लिया है खान। मन में
हुए महाराजा वल्लभ सेन और देवी भगवती अग्रसेन को देखकर फूले नहीं समाए। देवी भगवती ने अग्रसेन को छाती से लगा लिया, खुशी के मारे उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। आंखें तरस गई थी तुझे देखने को, मुझे जी भर के निहार लेने दे बेटा। ऐसा पाका जवान होके आया है मेरा लाल, हे भगवान कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बच्चों को माँ की दुआएं लगती हैं माँ, नजर नहीं। वाह क्या उत्तर दिया है बेटा, चलो दरबार में चलते हैं। जो आज्ञा देना जी। पिता पुत्र को देख रहे देखो बारंबार, हाथ पकड़ कर चल दिए देखो वो दरबार। और फिर एक दिन वल्लभ सेन के दरबार में पांडव दूत ने धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश। महाराज, कौरवों द्वारा किस तरह का व्यवहार पांडु पुत्रों के साथ किया गया है आप उन सबसे विदित हैं। अब इस धर्म युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल होने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुरोध किया है। आपका यदि कोई संदेश हो तो आज्ञा करें, मैं धर्मराज तक पहुंचा दूंगा। हे दूत।